चैनल लेट्स विजुलाइज इंडिया, माय सेल्फ पूजा और आज का अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैंने लॉन्गिट्यूड में बताया था जो भी लंबी लंबी लाइंस होती है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है, राइट, वो क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड। अपने इंडिया से दो लॉन्गिट्यूड लाइंस होकर निकलती है। देखिए अपने मैप में देखिए किस तरह से दो लॉन्गिट्यूड लाइन होके निकल रही है, दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड वीडियो में कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड लाइंस चेंज होती रहती है वैसे वैसे टाइम बढ़ता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, राइट। तो अपने इंडिया में भी आप देखिए ये दिस वन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ऑब्वियसली तीन पार्ट में बढ़ गया अपना इंडिया, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो ऑब्वियसली टाइम चेंज होगा। तो अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब आप इस वीडियो में इस वाले जो इमेज है उसमें देखिए, इसमें पांच आवर्स, फाइव आवर्स आ गए, इसमें सिक्स आवर्स आ गए और इसमें सेवन आवर आ गए, तो टाइम चेंजिंग हो रहा है। तो इसके लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला वो सोल्यूशन अपन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया 1947 और स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1947 को हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो अडॉप्ट किया गया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले काफी साल पहले 1900 से पहले उसमें हम किंगडम्स थे, मतलब राजाओं का शासन था, तो जो अपना किंगडम है उसके अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड लाइन यूज टाइम यूज किया जाता था, सोलर एनर्जी मतलब हमारे सन के अकॉर्डिंग उसको टाइम सेट किया था, कोई पर्टिकुलर फिक्स ऑल ओवर इंडिया का पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं था, हर किंगडम अपना अपना टाइम सेट रखता था, कैसे, सोलर के थ्रू मतलब सन के थ्रू अपना लोकल टाइमिंग है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब इसके लिए जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हम लोग को इंडिपेंडेंसी मिली, उसके बाद में पूरा इंडिया एक हो गया, पूरा इंडिया एक होने के बाद ऑब्वियसली टाइम भी एक रखना पड़ेगा, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये प्लस 530 आवर्स चलता है, जो हमारा जीएमटी है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। कौन सी लॉन्गिट्यूड पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे, कहां से होकर निकलता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और ये हमारा सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे ही काम इसको फोर्स किया गया, इसको स्टार्ट किया गया, उसका रिसर्च वर्क किया गया, राइट। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वाला जो स्लाइड है उसमें देख सकते हैं हम अपना किस तरह से, देखो एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, राइट, और ये अपना कौन सा 89.5 डिग्री पे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, अगर हम तीन यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही थी अपने इंडिया में बहुत ज्यादा आगे हो रहा है, बहुत ज्यादा पीछे हो रहा है, तो हमारे साइंटिस्ट ने दो ऑप्शंस दिए, या तो 5 hours 30 minutes आगे बढ़े या 6 hours 30 minutes आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट दोनों सारे स्टेट्स में ये हो जाती है कि मतलब कंफ्यूजन हो गया कि कितना आगे रखे, कोई बोल रहा है नहीं हमारे अकॉर्डिंग करो, कोई स्टेट बोल रहा है गुजरात के अकॉर्डिंग करो, कोई स्टेट बोल रहा है ईस्ट की तरफ से करो, तो गवर्नमेंट ने बीच का सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला, जो गुजरात के लिए है उनको अपनी घड़ी क्या करनी पड़ी, यहाँ तक लानी पड़ी, और जो यहाँ के जो असम जो ईस्ट के एरिया है उनको अपनी घड़ी को क्या करना, पीछे करना पड़ा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अगर 7 o'clock करना था तो उनको 8 o'clock करना पड़ा, और अगर यहाँ पे 7 o'clock चल रहा था तो उनको, सॉरी यहाँ पे जब 8 o'clock चल रहा था तो उनको 7 o'clock करना पड़ा, तो बीच का टाइमिंग निकाला गया, ठीक है। ऑब्वियसली अगर सनरेज हो रहा है, सनरेज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट की तरफ से होता है सनरेज, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ से सनरेज हो रहा है तो इधर से जो ईस्ट की तरफ है वहां पे मॉर्निंग जल्दी होगी, ठीक है, मॉर्निंग जल्दी हुई मतलब यहाँ पे 6 o'clock पे बजेंगे, सपोज करो यहाँ पे 6 o'clock बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेट होगा और यहाँ पे और ज्यादा लेट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 o'clock हो रहा था, यहाँ पे 7 o'clock हो रहा था, यहाँ पे 8 o'clock हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको अपनी घड़ी आगे करनी है, ठीक है, और इनको अपनी घड़ी को थोड़ा पीछे करना है, ये बीच का टाइमिंग रख दिया और इसको कौन सा कर दिया, 7 o'clock, तो ये मिडिल ऑफ द निकाल दिया अपने इंडिया का, मिड सारे जो कंफ्यूजन था, प्रॉब्लम्स थी, उसको सोल्यूशन लेके आ गया और ये बीच की लाइन लेके आ गए 82.5 पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी पूरी इंडिया का एक बीच का टाइम निकल गया, बीच का सोल्यूशन निकल गया। अब क्यों स्टार्ट किया गया, ठीक है, क्यों हम लोग को क्या जरूरत पड़ी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम करने देते,
ईस्ट में ज्यादा चल रहा था, 3 o'clock चल रहा था, पीछे गुजरात की तरफ में 1 o'clock या 2 o'clock चल रहा था, ठीक है। तो इसमें होने रहता है ना, क्या कंफ्यूजन हो रहा था, क्यों करा चेंजेस, इसके पीछे ये रीजन है कि जो एक तो पूरा हमारा इंडिया एक हो गया था, तो हमें एक टाइम सेट करना जरूरत हो गई थी। रीजन क्या हुआ, सपोज करो कोई ट्रेन अगर गुजरात से चल रही है और वो असम की तरफ जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से अगर 10 o'clock चलेगी तो वहां पे पहुंचने का टाइम और यहाँ से रवाना होने का टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। टाइमिंग, जो टाइम टेबल बनता है रेलवेज का, एयरप्लेन्स का, ये कोई भी चीज का टाइम टेबल बनेगा, क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है उसका, तो दोनों में अलग होगा, कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा टाइम, यहाँ पे 2 o'clock करेंगे तो यहाँ पे 3 o'clock करेंगे। ये आप इस पिक्चर में देखिए, लेसन जैसे ये वाला है, यहाँ पे दिल्ली में 2 o'clock हो रहा है और वही अपन आसाम में क्या हो रहा है, आसाम की तरफ 3 o'clock हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यार पूरी इंडिया में कहीं 2 बज रहे हैं, कहीं 3 बज रहे, कहीं 4 बज रहे, तो रेलवे को एक टाइम टेबल नहीं बना था प्रॉपरली कि फिक्स है कि अगर दिल्ली से असम की तरफ रेल कोई ट्रेन है वो 2 o'clock पे आएगी, तो ऑल ओवर इंडिया में 2 o'clock टाइम शो होगा, ठीक है। वो मद्रास में भी 2 o'clock शो करेगा, महाराष्ट्र में 2 o'clock शो करेगा, जम्मू कश्मीर में 2 o'clock शो करेगा, अलग अलग नहीं होगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रेन का डिपार्चर का और अराइवल का टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक बीच की टाइम निकाल दी 82.5 डिग्री पे, जिसके सारा कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। जो 3 o'clock था उनको थोड़ा पीछे होना पड़ा और गुजरात वाले को थोड़ा सा आगे होना पड़ा, ठीक है। इससे क्या हुआ, बिल्कुल मिडल ऑफ द लेन जो लॉन्गिट्यूड लाइन थी वो आ गई, हमें टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम हो गया। लेकिन सनराइज आज भी ईस्ट की पार्ट में बहुत जल्दी होता है और इधर वेस्ट की पार्ट में थोड़ा लेट होता है, ठीक है। लेकिन जो सनराइज है वो अपने टाइम पर चलेगा, बट जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारे घड़ियों का टाइम है, हमारे वॉच का टाइम है, वो डिफरेंस नहीं रहेगा। वो अगर 2 o'clock दिल्ली में है तो 2 o'clock ही महाराष्ट्र में होगा, 2 o'clock मद्रास में होगा और 2 o'clock भी ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पे होगा, राइट। आई होप ये आपके स्टैंडर्ड टाइम का जो कंफ्यूजन था वो आपको समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड टाइम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों यूज किया, क्यों इसको अडॉप्ट किया, क्यों इसको स्टार्ट किया, तो गाइस आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। बाय बाय।